बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आज बहुत ही खूबसूरत सी धूप, जैसे नहीं सर्दियों की मज़ेदार किस्म की धूप होती है, सुबह को बारिश हुई है और अभी जो है आपको परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें जो है ना वो आ रही होंगी। और ये देखें, मैं अपनी खड़ी हूँ बालकनी में और मैं आज आप लोगों के साथ शेयर जी, आज मैं बात करूंगी जी, ये है जी पेंसिल कैक्टस। इसको पेंसिल कैक्टस कहते हैं लेकिन पेंसिल कैक्टस मुझे पता नहीं क्यों नहीं लगता। अच्छा, ये भी डेजर्ट प्लांट है, डेजर्ट में ये उगता है। इसका एनवायरनमेंट देखें, अल्लाह ने किस तरह डिफरेंट किस्म की मैं कहती हूँ चीज़ें बनाई हैं ना कि हैरान इंसान रह जाते। अब देखें इसकी खूबसूरती क्या है, ये सिर्फ इसकी पेंसिल की तरह ली है, इसकी स्टेम्स हैं और यहाँ पे कभी कभी बहुत अरसे बाद ही इस तरह के इसमें पत्ते आते हैं। पेंसिल बारीक बारीक देखें, बारीक बारीक जो है ना वो पत्ते आते हैं और इस पर येलो वाइट से फ्लावर्स आते हैं। वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और जनाब, ये चूँकि डेजर्ट प्लांट है तो कैक्टस की एक वैरायटी, सकुलेंट की एक वैरायटी है ये। इसको जो सकुलेंट होते हैं उनको पानी कम चाहिए होता है। इनकी स्टेम जो होती है देखिए ग्रीन है, सारी ग्रीन है। ये देखिए बिल्कुल एंड पे जाके ना इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है। और ये देखिए इसका इस तरह, इसको आप पानी कैसा है, पहले हम सॉइल की बात कर लेते हैं। सॉइल इसको बहुत ज़्यादा वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए, पानी जिसमें बहुत ज़्यादा होल्ड ना हो। और जो नॉर्मल जो गार्डन सॉइल है, सैंड है, वर्मी कंपोस्ट आप डाल दें, बहुत लो मेंटेनेंस प्लांट है। इसके बिल्कुल भी पानी का भी इसका ख्याल ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आप समर में, मैं बात कर रही हूँ, गर्मियों में आप इसको एक दो हफ्ते बाद पानी देंगे तो ये सर्वाइव करता रहेगा। ओवर वाटरिंग में ये ख़राब हो जाएगा, ओवर वाटरिंग नहीं इसको चाहिए होती है। और सर्दियों में तो फिर, अगर गर्मियों में हमने दो हफ्ते बाद पानी देना है तो सोचें कि सर्दियों में फिर हमने इसको महीने बाद इसको पानी देंगे, लेकिन महीने नहीं मतलब दो तीन हफ्ते बाद हम, लेकिन वो भी चेक रखेंगे कि जब इसकी मिट्टी एक डेढ़ इंच तक जो है वो ड्राई हो जाएगी तो फिर हम इसको पानी देंगे। अब ये मैंने अपनी बालकनी में रखा हुआ है। मेरी बालकनी में धूप आती है सुबह की, सूरज यहाँ से निकलता है तो सीधी जब सूरज निकलता है तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है जो तकरीबन रहती है। वो चूँकि सुबह की धूप जो होती है ना वो ठंडी होती है तो वो पड़ती है इस पर तो वो ये टॉलरेट कर लेता है। दो घंटे की धूप इसको बहुत है। सेमी शेड एरिया में रखें, ब्राइट सनलाइट इसको चाहिए होती है और ये बहुत अच्छे से चलता है। बिल्कुल आप जब इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे ना, पूरा दिन रखेंगे तो ये बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है आप सनलाइट ऐसी में रखें जहाँ पे दो घंटे की धूप आए, और बिल्कुल शेडी एरिया में रखें लेकिन बाहर रखें, आउटडोर। इंडोर भी रख सकते हैं आप इसको, इंडोर भी बहुत अच्छा चलेगा। इसको आप विंडो के बिल्कुल जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आए वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। अजान हो रही है, अजान के बाद जो है वो बात करते हैं जी। मैंने कहा खामोशी से वीडियो बना लेती हूँ, बाद में वॉइस ओवर कर लूँगी क्योंकि अजान हो रही थी। तो जनाब, इसको अगर आपने इसकी प्रूनिंग कटिंग इसकी लगानी है तो इसकी कोई भी स्टैम्प आप उतार के, और ये देखिए ये मैंने उतारी है और उसी में ही मैंने इसको जो है लगा दिया है, उसी मिट्टी में गमले की। और ये माशाल्लाह इसने जड़ पकड़ लिया, इसके पत्ते मुझे नज़र आ रहे हैं। तकरीबन हफ्ता हो गया इसको मैंने लगाया था ट्राई के तौर पे और ये माशाल्लाह से लग गई है। इसलिए इसकी कटिंग लगाना, एक पौधे से आप बेशुमार पौधे जो है बना सकते हैं। और मिट्टी जो है मैं आपको बता चुकी हूँ कि वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, पानी जो है काफ़ी देर तक इस पौधे के अंदर होल्ड होता है। और दूसरा यहाँ पे है कि जैसे बारिश हुई थी, ये बाहर थोड़ी दिनों के लिए मैंने मैंने बाहर इसको कुछ दिनों के लिए रखा था तो मैं अब देख रही थी कि कहीं कोई मिली बग्स का कोई उस तरह का अटैक तो नहीं हुआ। यूजुअली इस मौसम में ऐसे प्लांट्स पे हो, लेकिन इस पर बहुत कम अटैक हुआ था। मैंने देखा है कि कोई भी इंसेक्ट्स कोई भी इस पर लगा हो, लेकिन आप जैसा रूटीन में तमाम पौधों पर आप नीम ऑयल का, आप पानी में नीम ऑयल डाल के और साथ कोई भी डिटर्जेंट आप इसमें हैंड वॉश डाल के तो आप उसका स्प्रे जो है बना के आप पौधों पे करें तो आपके पौधों को कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा और बहुत ही वो अच्छे से चलेंगे। तो
ये है कि ये देखें, इसको आप इस तरह भी, एक और तरीका भी है कि आप इसकी जड़ें जो है ना, इस पौधे को पूरे को निकाल के और इसकी जो दो प्लांट बने हुए हैं ना, इनको सेंटर से कट करके, तो आप इससे अलग भी, जड़ों समेत भी आप अलग इसको जो है एक प्लांट से दूसरा प्लांट आप बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये पेंसिल कैक्टस जो है ना, ये अच्छा लगा होगा। बहुत मज़े का प्लांट है, इजी टू ग्रो है, ला के अपने घर रखें। जो बिगनर्स हैं ना, वो इस टाइप के प्लांट्स लेके आएँ, ताकि उनको जब कोई होता है ना शुरू में वाटरिंग का इशू होता है, आप बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा केयर भी प्लांट को ख़राब कर देती है। मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में ये बात करती हूँ, तो इसलिए घबराएं नहीं, ला के लगा के अल्लाह के हवाले कर दें, दुरूद शरीफ पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ें, उस पर फूंक मार दें और अल्लाह पे छोड़ दें, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह पौधा चलेगा। हम बार बार उसको देखते हैं, जब नई नई गार्डनिंग शुरू करें तो ऐसे होता है। मैं भी बहुत ब्लंडर का, एक दफ़ा मैं एक प्लांट लेके आई, उसके मैंने इतने कुछ उसकी प्रूनिंग करके, कुछ उसको मैंने इतना डिवाइड कर दिया कि एक पौधा नहीं बचा, सारे के सारे जल गए। तो ये थोड़ी सी टेक्निक्स होती हैं जो कि करनी पड़ती हैं। तो बहरहाल कोई नहीं, मेरी हर वीडियो में आपको कोई ना कोई टिप जो है, कोई ना कोई ऐसी बात जो है, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती रहती हूँ। तो जनाब मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।